दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए जेएमडी न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप देख पाए लेटेस्ट न्यूज वीडियो सबसे पहले। दोस्तों 25 मार्च 2018 है रविवार, बहुत ही शुभ और अच्छा दिन है क्योंकि ये गुप्त नवरात्रों का आखिरी नवरात्र है और साथ ही साथ इस दिन रामनवमी है, तो इस वजह से ये दिन और भी ज्यादा खास बन जाता है। दोस्तों आपके परिवार में या आपके साथ कुछ ऐसा होता है जो ना होना चाहिए। हर कुछ दिन बाद कभी कोई बीमार हो जाता है तो कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी कोई समस्या आ जाती है तो कभी कोई दूसरी समस्या आपको जकड़ लेती है। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है, इसलिए नवरात्रे के आखिरी दिन या फिर रामनवमी के दिन यदि आप एक छोटा सा उपाय कर लेंगे तो आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा का आपके घर में वास हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको वो छोटा सा उपाय बताने जा रहे हैं जिसे करने से आपके घर में सकारात्मकता आ जाएगी। दोस्तों उपाय इस प्रकार है, आपको एक साबुत लौंग लेनी है। जी हाँ दोस्तों, साबुत लौंग का मतलब है यानी लौंग के ऊपर फूल भी होना चाहिए। लौंग लेने के बाद आपको अपने घर के मंदिर में जाना है। मंदिर में जाने के बाद आपको वहां पर शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है। यदि घी देसी गाय का हो तो और भी उत्तम माना जाएगा। दीपक जलाने के बाद आपको अपने इष्ट देव का स्मरण करना है, अपने इष्ट देव को याद करना है। इसके बाद आपको उस लौंग को वहां से उठाकर अपने पूरे घर में चक्कर लगाना है। पूरे घर के हर कोने में चक्कर लगाने के बाद आपको उस लौंग को लेकर अपनी छत पर चला जाना है। छत पर जाने के बाद आपको एक बार उल्टे कदमों से अपनी पूरी छत का चक्कर लगाना है। चक्कर लगाने के बाद आपको जिस साइड अपनी छत से नीचे उतरना है उस साइड मुख करके अपने सर के ऊपर से उस लौंग को पीछे की साइड फेंक देना है। इसके बाद आपको चुपचाप नीचे आ जाना है और अपने हाथ पैर धो लेने हैं। दोस्तों ये छोटा सा उपाय करने मात्र से आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाएगी और आपके घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप ये उपाय जरूर करेंगे ताकि आपके घर में भी कोई परेशानी ना हो और आपके भी सारे काम बनने लग जाएं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।